भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वाले वीडियो में मतलब पहले आप लोग देखो कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, नेदर फोर्ट्रेस पे खड़ा हूँ। और इससे भी शॉकिंग बात मतलब नेदर फोर्ट्रेस के जस्ट बगल में ही हम लोग को है बेशन रेमिनेंट। इसको बेशन वेशन जो भी बोलते हैं भाई वही है बेशन है इधर। एंड एक छोटा सा चैलेंज है मुझे गाइस, इसके उधर जंप मारनी है, पर पता नहीं मैं जंप मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। बट कोई ना, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर 3 स्लाइम ले लेता हूँ कि अगर जंप नहीं मार पाया तो फिर मैं तुरंत स्लाइम निकालूंगा। 3 2 1 गया भाई। कैसे वो बच गया फाइनली भाई, समझ नहीं मैं कैसे बचा लेकिन बच गया गाइस, बच गया। ओह माय गॉड भाई। ओके वेट, फटाफट ऊपर चलना होगा, फटाफट ऊपर चलते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे मुझे एक गोल्ड ब्लॉक दिख चुका है। एंड वेट, ओ नीचे वो ब्रूट पिगलिन खड़ा है, इसको तो वेट। ओ भाई वेट, वो आ गई आवाज आ चुकी है गाइस, मतलब किसी ने तो मुझे देख लिया है गोल्ड चुराते हुए। एंड वेट, मैं फंसू ने फटाफट ऊपर भाग बीच में भाग अर्जुन भाग, जल्दी भाग, तेरी जिंदगी का सवाल है। ओके फाइनली मैं ऊपर आने वाला हूँ। एंड गाइस पता नहीं मैं कैसे बचा लेकिन बच गया भाई। मैं तब से प्रैक्टिस करता था तो मार लेता था, लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ तो नहीं मार, भैंस की टांग। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, वहाँ पे बोन ब्लॉक है उसको भी हम लोग लास्ट में ले लेंगे। एंड वेट भाई यार, दो तो चेस्ट, ओके इधर भी चेस्ट है भाई। वेट, इस चेस्ट को लूटते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या। ओ भाई 8 डायमंड भाई साहब। वेट उधर को, ओके वो रास्ता पूरा बंद है ना, आगे भी चेस्ट है, इसको भी लूटते हैं। एंड वेट, यहाँ पे बस वो विदर स्केल्टन ना हो, बाकी सबको तो मैं संभाल लूँगा गाइस। विदर स्केल्टन हम लोग को इफेक्ट दे देता है, मतलब हम लोग को पोशन दे देता है, पता नहीं कौन सा, जिससे हम लोग को डैमेज पहुँचता है। एंड ये शॉट ले लेता हूँ, इन्हीं के शॉट से इन्हीं को भैंस के नाक मारूंगा। ओके आगे चलते हैं एंड जितना चेस्ट है लूटते हैं। जितनी भी फोर्ट्रेस में चेस्ट थी मैंने सारी लूट ली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत सीन हो चुका है। ओके वेट, ओके बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ऑल द बेस्ट। बहुत धक्का दो, धक्का मुक्की कर भैंस की डांग, बहुत बढ़िया से धक्का, बहुत शाबाश बेटा जी, और शेर बेटे बेटे धक्का दे। वो एक और बच्चा है उसको धक्का दे भाई, ये एक्स वाले मर जाएंगे ना या नीचे चल जाएंगे ना, फिर मैं आराम से संभाल लूँगा। धक्का दो क्योंकि एक्स का आपको पता है एक्स कितना ज़्यादा डैमेज करता है। धक्का दो। ओके वेट, इसको भी धक्का, ओके नीचे गया। वेट अबे टेलीपोर्ट होता है क्या ये, नीचे गया ये वहाँ कैसे आ गया, ये टेलीपोर्ट होता है क्या, छोड़ो कोई बात नहीं। ओके भाई सुन डील कर सकते हैं भाई, देख तू मुझे इन लोग से बचा, मैं गोल्ड दे, ये आ गया भाई, सुन सॉरी गाइस, ये सुन लिया मेरी बातें, वरना मैं उसके साथ डील कर लेता भाई। वो मेरे लिए काम करता, मैं उसके लिए काम करता, बट इसने सुन लिया जिसकी वजह से उसको मुझे मारना पड़ा, वरना वो किसी को बता देता कि ये चीटिंग कर रहा है तो फिर मैं फंस जाता ना। तो फटाफट यहाँ से पहले एरिया क्लीन करते हैं थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, वरना भागने में हमें को प्रॉब्लम होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे एरिया क्लीन हो चुका है कि हम लोग आसानी से भाग सकें, और बस यहाँ पे कोई पिगलिन ना आए, वो एक्स वाला, बाकी को मैं संभाल लूँगा आराम से, बस वो एक्स वाला ना आए तो हम लोग मरने से बच सकते हैं यहाँ पे। एंड अपना फर्स्ट चेस्ट खोलते हैं, देखते हैं क्या। ओ भाई साहब इतना सारा सामान भाई, ये दो स्मिथिंग पैम्पलेट मिले हैं जो डिज़ाइन बनाते भाई, बहुत कुछ मिल चुका है। एंड मेरी इन्वेंटरी मतलब चेस्ट, हाँ इन्वेंटरी में ही जगह है नहीं, तो बहुत आराम से बहुत सही तरीके से सामान को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो वेट, ये वैसे क्रॉसबो मैं लूँ कि ना, प्रीचिंग लगेगा इस क्रॉसबो पे लूँ के, एक मिनट इसमें। ओ वेट भाई, इसमें भी 6 हो गए हैं गाइस अपने पास स्मिथिंग पैम्पलेट, भाई साहब कितने सारे मिल गए भाई। यहाँ पे एक आयरन का ब्लॉक है, एक डायमंड की पिकैक्स एफिशिएंसी होता है, हाँ एफिशिएंसी फर्स्ट के साथ भाई साहब। ओके यहाँ पे सारा सामान पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे निकलूँगा। ओके गाइस सारा सामान मैंने ले लिया, बस आगे हम लोग को कूदना है, स्लाइम क्लच करना है। कोई ना भाई, जब जरूरत होता तब ये सब भैंस का पता नहीं क्या हो जाता। ओके वेट, आगे वो ब्लॉक है, बट गाइस मुझे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी स्पॉन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, इधर कोई भरोसा नहीं है। एंड वेट, मुझे नीचे उतरना है धीरे धीरे, मैं ब्लॉक लगा के उतर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर कोई मॉब आएगा अभी तभी मुझे मार नहीं पाएगा। पहले आराम से यहाँ पे लाइन बाय लाइन से उतरते हैं कि तुरंत हम लोग ऊपर चढ़ सकें। एंड ये तोड़ने पे गाइस अगर उसका साउंड आता है कि गुस्सा जो जाते हैं ना पिगलिन, ब्रूट पिगलिन, अगर उसका साउंड आया मुझे तो मैं यहाँ से भागने वाला हूँ उल्टे पैर, और अगर साउंड नहीं आया तो हम लोग आगे लूटेंगे। बस साउंड आए ना, जिससे मैं मतलब अगर साउंड आया तो भाई मैं मर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग भाई मुझे खोजना शुरू कर देंगे, और क्योंकि मैंने उनका गोल्ड चुराया, तो देखते हैं साउंड आता है कि नहीं। नाउ
3, 2, 1 भेज, साउंड नहीं आया, बच गया गाइस, बच गया मैं, बच गया भाई, वरना साउंड आता तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड यहाँ से ब्लॉक, वैसे ये तो कलेक्ट होगा नहीं, मैं इसी ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये टेम्प्रोरी ब्लॉक लगे थे, बस अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक साउंड आया नहीं है, वो लोग मुझको मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हैं अभी तक, उन लोगों को लग रहा है कि अभी सब नॉर्मल ही चल रहा है। एंड वेट वेट भाई, आगे चेस्ट है, ओके चल वेट, आगे से आवाज़ आ रही है भाई, पहले इस एरिया को कवर करो भाई, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई, ये लोग कब सनक जाए कुछ पता नहीं है भाई। यहाँ पे पूरा एरिया ब्लॉक हो चुका है एंड अब आगे चल भाई, लेकिन वो ब्रूट पिगलिन का आवाज़ क्यों आ रहा है भाई बार बार। वेट मैं बगल से जाऊँगा, इसको तोड़ो, फिर यहाँ से नहीं हो पा रहा, कोई इसको तोड़ो यहाँ से हो जाए। ओके भाई, दो दो गोल्ड ब्लॉक और एक और स्मिथिंग पैम्पलेट ये वाला मिल गया, डिज़ाइन वाला भाई, बहुत मस्त सीन हो चुका है गाइस हम लोग को। तो यहाँ से वेट, अब आगे चलते हैं, आवाज़ तो आ रही है बट कोई है नहीं, मतलब ये बस फालतू वाली आवाज़ है, कोई है नहीं गाइस मेरे आसपास अभी। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं भाई, बस कोई मारे ना, बस यही चाहिए मुझे ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए भाई, ज़िंदगी एकदम मस्त चलेगी, कोई बस मारे ना मुझे, वरना भाई मैं भूत बना डालूंगा उसको, बता देना मैं शांति से भाई। नो फियर नो टियर, बीस्ट बॉय इज हियर, यहाँ पे चलते फटाफट, आगे गुप्त रास्ता है। एंड तभी से पता नहीं क्या भुर्र भुर्र ऐसे आवाज़ आ रही है, लेकिन खोखले जगह में होगा कौन, भैंस जो आएगा वो गिर जाएगा फालतू में, क्योंकि यहाँ पे कोई है तो नहीं, चलते आगे फटाफट, बस कोई आए ना। ओ वेट, मेरे तो एल लग गए भाई, छोड़ दे प्लीज, ओके ओके वेट, आगे नहीं आ पा रहा भाई, पीछे जगह नहीं थी यार, अगर एक ब्लॉक भी कम होता ना, ये आके भाई मुझे मार देता भाई यार, आज मैं दो वेट भाई, वेट भाई, राजा घूम रहा है भाई इधर यार, गाइस वो राजा ही है भाई इधर का, मानो या ना मानो वो राजा है भाई इधर का, उसको ही राजा माना जाता है इधर का भाई, इसकी टांग राजा की औकात तो है नहीं, लेकिन तब भी राजा मारेंगे लोग भाई, इधर इतना बड़ा राजा बैठा हुआ है, लेकिन इसको मारेंगे सब, और जो मार खाने लायक काम करता है उसको राजा माने, क्या कहा जाए यार आज के लोगों का, मतलब कुछ भी लोग कहते हैं ना। आगे मुझे बहुत ढेर सारे गोल्ड के ब्लॉक दिख रहे हैं, फटाफट नीचे उतरते हैं, बस वो राजा आके हमको मारे ना, बाकी उसके बाद तो हम उसको संभाल लेंगे भाई आराम से, एकदम चिल होके। आगे की साइड पे एक चेस्ट है, इस चेस्ट को लूटते हैं फटाफट, ओके एक गोल्डन एप्पल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इस गोल्डन एप्पल को मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ, जिससे अगर जरूरत पड़े तो मैं खा भी लूँगा, क्योंकि गोल्डन एप्पल बना सकते हैं भाई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इधर गोल्ड है, इस गोल्ड को तोड़ना है, बट यहाँ पे पहले मैं ब्लॉक लगा दे रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई, अगर मैं फंसा ना यार बहुत बुरे फंसूंगा, मैं कुछ ज़्यादा ही हाथ मार रहा हूँ भाई इस तरफ, मजाक नहीं भाई, सच में कुछ ज़्यादा ही हाथ मार रहा हूँ, मैं अगर फंसा ना बहुत बुरे फंसने वाला हूँ भाई, क्योंकि भाई ये लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं यहाँ पे फंस गया ना तो जिंदा चबा डालेंगे भाई ये लोग, मतलब समझ लो भाई, जितना मीट देख रहे हो चिकन में ये बंदों का ही है भाई, जितने बंदे यहाँ पे आ चुके। ओ वेट, अबे भाई छोड़ दे भैया, भैया 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 ए भैया रुक, तेरी छोड़ दे भाई, भाई साहब क्या एकदम भाई एकदम हार्ट अटैक लाने वाला काम करते हैं भाई। ओ भैया मैं कहाँ फंस गया यार, लग रहा है इन्होंने सुन लिया है, वैसे आवाज़ तो आई है सुनने की, ए मम्मी ए बचा ले रे बाबा, मैं किधर फंस गया भाई, नीचे लावा थाला लिटरली, मतलब मरते मरते बचा हूँ, सब कुछ नच रहा है भाई, मम्मी ए मम्मी बचा ले रे बाबा, सिंगल लौंडा भाई, मतलब सिंगल लौंडा सिंगल ब्लॉक पे खड़ा है भैंस की टांग भाई, भाई 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 एक मिनट शायद से सिंगल ब्लॉक ही भाई, सिंगल ब्लॉक ही है, एक मिनट अभी पता चल जाएगा, यहाँ पे स्लैब है लेकिन ये सिंगल ब्लॉक भाई, ला उड़ी बाबा भाई, मतलब वो इतना तेज आ रहा है भाई, एकदम पता नहीं कहाँ से टपक गया भाई, मतलब ऊपर से टपाक से नीचे गिर के मारना शुरू कर दिया भैंस के, बात करो हाल चाल पूछो कि सर आपको यहाँ पे आना कैसे हुआ, चाय लोगे बिस्कुट लोगे, कुछ लोग भाई आते ही सीधा मारना शुरू भैंस की टांग, चलो कोई ना, सामने भी मुझे गोल्ड, सामने नहीं दो दो गोल्ड दिख रहे हैं गाइस, बस ये कोई मारे ना मैं पक्का बता रहा हूँ भाई, पूरे गांव में भंडारा करवा दूंगा बस। ओके वेट, कोई सुना नहीं, आई एम सेफ, इसका भी कोई सुने, कोई नहीं सुना गाइस, आई एम पूरी तरीके से सेफ भाई, आई एम पूरा तरीके से सेफ, यहाँ पे मैं आग लगा इसको बंद करता, आगे भी गोल्ड ब्लॉक है, इसको पहले बंद करते हैं कि मतलब भागूंगा मैं तो आग मुझे ना लगे। ओके वेट, आगे चेस्ट है, पहले इसको लूटते हैं और उसके बाद उसको जाएंगे। वेट, ओ वेट भाई ये ग्रैनी गेम गाइस, देखो ना आप लोग, मतलब वो ग्रैनी कैसे इधर तो घूमती रहे भाई, ये ग्रैनी हुआ है क्या, मतलब भाई साहब ये
क्या मैं कहूँ यार, छोड़ो भाई, मतलब भाई क्या खतरनाक खतरनाक लोग रहते हैं भाई। ठीक है ठीक गाइस, ठीक है, ऊपर भी कोई है, आगे वो पिग, वो सांड है भैंस की टांग, पीछे ब्रूड पिगलिंग है भाई, मैं पूरा फंसा हूँ। एक मिनट, ओके आजा 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 भाई, कितना तेज भागते हुए आ रहा है भैंस, कच्चा चबाने के लिए आ रहा है भाई। एक तो मर चुका है, यहाँ पे फटाफट चलते हैं चेस्ट में, देखते हैं क्या है, प्लीज कुछ अच्छा सामान दे रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैं पहुंचा हूँ इधर। एफिशिएंसी 1 की, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है भाई होता है, ऐसे छोटे मोटे धक्के लगते रहते हैं गाइस लाइफ में। ओके ओ बे, ओ भाई क्या हो रहा है इधर, इसको देखो गाइस, ये वो कार फंगस लेके उसके ऊपर राइड कर रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई इधर। भाई मैं घर जाने वाला हूँ गाइस, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना भाई, यहाँ रुकूंगा ना पक्का मैं पागल हूँ भाई, मतलब ऐसे झटके मिल रहे हैं यहाँ पे कि मतलब क्या कहूँ यार, इतने झटके तो कोई लड़की आज तक मुझे नहीं दी जितना झटका, मतलब झटका यहाँ पे मिलना है गाइस, यहाँ पे झटका नहीं मिलना, यहाँ पे झटका मिलना है यहाँ पे भाई, लावा जगह जगह है, लावा जगह जगह है लावा, बेटा आ जा आ जा आ जा। ओके बात खत्म, यहाँ पे एक और चेस्ट है, इसको लूटते हैं फिर मैं घर निकलने वाला हूँ। ओके इसमें क्या, ओके ये होता है ना काम का सामान भाई, टोटल अपने पास 7 स्मिथिंग टेम्पलेट हो गए भाई, एंड यहाँ पे एक डिस्क भी है, हाँ सही, तो इसको मैच यानी एरो नहीं यहाँ रखते हैं। ओके ये तो वही एरिया था ऐसे, ओके जहाँ पे मैंने उसका कत्ल किया था, ये वही एरिया है, चलते फटाफट भाई मुझे घर जाना है, मेरा घर मैं घर आ गया गाइस, मतलब भाई वहाँ पे इतना डर लग रहा था भैंस की टांग, मतलब वहाँ जिंदा चबाने वाला भाई जानवर थे भैंस की टांग, तो मतलब इसलिए मैं फटाफट घर आ गया भाई। मैं मतलब वहाँ पे मैं सारा चेस्ट लूट चुका हूँ गाइस, जितना चेस्ट मैं आपको दिखाया ना वो बस उतना ही चेस्ट था, वहाँ पे उतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन भाई भैंस की टांग मतलब हालत ख़राब हो गई भाई वहाँ पे। बट कोई ना गाइस, आई होप आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी सुपर लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास बहुत ऐसा डायमंड आ जाए, वो कैसे इस ट्रिक से गाइस, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि हम लोग की पिकेक्स की हेल्थ भी जल्दी खत्म नहीं होती और हम लोग डायमंड भी आसानी से ढूंढ लेते हैं, मतलब डायमंड ढूंढने का ये बहुत मस्त ट्रिक है। तो डायमंड मैं ऐसे ढूंढो कम से कम भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं कम से कम 2 से 3 स्टैक डायमंड मैं कल ढूंढ लूँगा भाई, मतलब कोशिश करूँगा उतना ढूंढने का, बट देखते हैं। डायमंड वैसे अब उतना हार्ड तो है नहीं डायमंड हम लोग को ढूंढना, क्योंकि माइनस में चले जाओ, माइनस में घुसो बैसे डायमंड ही डायमंड मिलेगा, तो मैं ढूंढ लूँगा गाइस। आई होप आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी उस पर लाइक कर देगा, चैनल पर न्यू है चैनल को प्ले कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स यू गाइस, मतलब वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, थैंक यू क्यों। तो गाइस आई होप आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलूंगा गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड राधे राधे। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you